नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। जेनरेटिंग फंक्शन, ओके। तो जेनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या है? पहली बात यह देखो, कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी एक सीक्वेंस है जहाँ पर ए नॉट देन ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करके जा रहा है, ये एक सीक्वेंस हो गया। अब इसका एक जेनरेटिंग फंक्शन अगर मैं तैयार करूँ, ठीक है, इसका अगर मैं एक जेनरेटिंग फंक्शन तैयार करूँ तो कैसे दिखेगा? ए नॉट एक्स रेस टू ज़ीरो प्लस ए वन एक्स रेस टू वन प्लस ए टू एक्स एक्स टू टू टिल ए एन एक्स रेस टू एन, ओके। ये होता है एक जेनरेटिंग फंक्शन, ओके। ये होता है एक जेनरेटिंग फंक्शन। तो ऐसे अलग अलग सीक्वेंसेस के अलग अलग जेनरेटिंग फंक्शन निकलेंगे। जैसे कि एक सीक्वेंस मैंने ले लिया इस तरह का, वन कमा वन कमा वन कमा वन कमा वन ऐसे करके जा रहा है, ये एक सीक्वेंस ले लिया। देयरफॉर जी एक्स इसका क्या होगा? वन जी एक्स होगा इसका, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करते जाता रहेगा, करेक्ट, क्योंकि हर एक जगह पे तो वन ही हो रहा है। अब देखो, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जहाँ पर जो ये जो रेशियो है, यहाँ पर रेशियो क्या है? एक्स है, करेक्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना। वन एक्स बाई वन इज एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज एक्स, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो गया। जब हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ मिलता है तो हम क्या करते हैं, और देख रहे हैं कि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है, एक्चुअली ये ए एन एक्स एन नहीं होगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम देख रहे हैं कि इन्फिनाइट तक जा रहा है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है ए बाई वन माइनस आर, ठीक है, ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। ए क्या है? इनिशियल जो नंबर है, और आर क्या है? जो रेशियो है। तो इधर इनिशियल नंबर क्या है? वन, और डिवाइड बाई वन माइनस एक्स, ठीक है। तो याद रखना, ये कुछ कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो हमें रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने में मदद करता है। तो वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स, ये होता है जेनरेटिंग फंक्शन। और एक सीक्वेंस देख लेते हैं, ओके, और एक सीक्वेंस देख लेते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है टू 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 ऐसे करके जा रहा है। तो जी एक्स क्या होगा? जी एक्स होगा टू प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब ऐसे करके जाता जाएगा, करेक्ट, विच इज़ इक्वल्स टू टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करके जाता जाएगा टिल इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स ही हुआ ना, यही तो हुआ। सो फाइनली टू वन माइनस एक्स, ओके, टू वन माइनस एक्स। और एक सीक्वेंस देख लेते हैं, ठीक है, और एक हम सीक्वेंस देख लेते हैं। इस सीक्वेंस में हमें क्या देखने मिल रहा है? वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव ऐसे करके हम आगे जा रहे हैं। तो इसका जी एक्स क्या होगा, जेनरेटिंग फंक्शन, वो हो जाएगा वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब ऐसे करके आगे जाता जाएगा। अब हम इधर एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक्स जी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x प्लस जस्ट मिनट, x प्लस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब ऐसे करके आगे जाता रहेगा, करेक्ट, क्योंकि इसके साथ हमें x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x मिल गया। टू एक्स के साथ x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थ्री एक्स क्यूब। अगर मैं अभी जी एक्स माइनस एक्स जी एक्स करूँ, ठीक है, एक्स जी एक्स करूँ, तो ये क्या आएगा? वन प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे ही जाता रहेगा, क्योंकि वन माइनस समथिंग नथिंग, टू एक्स माइनस एक्स एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब ऐसे ही जाता जा रहा है, करेक्ट, ओके। तो इधर मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वन माइनस एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का ही तो दिख रहा है हमें,
इट इज़ इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस एक्स, देयर फॉर जी एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। ऑल राइट, ये होता है इसका जेनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, फॉर दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस। ये जेनरेटिंग फंक्शन क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसे रिकरेंस रिलेशन में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इसे भी हम इरेज कर देते हैं और देखते कि और कोई सीक्वेंस है या नहीं। ठीक है, अब जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, बस एक छोटा सा चेंज है सीक्वेंस। 0 1 2 3 4 कंटिन्यूड, वो 1 से शुरू हो रहा था, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका जी एक्स कैसे निकलेगा, इसका जी एक्स निकलेगा 0 + x + 2x² + 3x³ + 4x⁴ कंटिन्यूड। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 1 + 2x + 3x² + 4x³। करेक्ट, ऐसे जाता जा रहा है, विच इज इक्वल्स टू एक्स, देखो 1 + 2x + 3x² इसको ही तो हमने सॉल्व किया और यहाँ तक आए, तो ये क्या आएगा 1 - x² हो जाएगा। करेक्ट, चाहे तो और भी अच्छे से दिखा देता हूँ, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 - x² हुआ। करेक्ट, क्योंकि यही पार्ट हमने इधर सॉल्व करके ये लाए, सो फाइनली द आंसर इज एक्स बाई 1 - x² होल स्क्वायर। ओके ओके, देखते और कोई सीक्वेंस है या नहीं। ओके, तो मोस्टली यही था सीक्वेंस, ठीक है, मोस्टली यही था सीक्वेंस। तो बस इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है, कि यदि कोई ऐसे नंबर मिलता जाए, सोचो यहाँ पर के मिल रहा है, तो इधर क्या होगा, के डिवाइड बाई 1 - x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो ठीक है, ये सब बहुत जनरल फॉर्मूलेज हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसे हम रिकरेंस रिलेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।